बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल कासिम टेक एंड आर्ट में। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो इसलिए कि आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि यार फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप बनाने से हमें फेसबुक की तरफ से अर्निंग होती है कि नहीं, या सिर्फ ये सिर्फ अफवाह है या फिर ऐसा होता भी है कि नहीं। तो इसके हवाले से आज मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान में फेसबुक से अर्निंग हो सकती है ऑफिशियली, ठीक है ना। जो ऑफिशियली फेसबुक की अर्निंग होती है वो एड ब्रेक्स की तरफ से मिलती है, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान में हम फेसबुक से अर्निंग कर सकते हैं किसी तरीके से ऑफिशियली? तो मेरा जवाब यही है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक की मोनिटाइजेशन ऑफ है, ठीक है। फेसबुक पेज पाकिस्तान में मोनिटाइज नहीं होते। वो ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स की मोनिटाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप्स बना के और पेज बना के हम ऑफिशियली फेसबुक से पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनके पेज मोनिटाइज हो जाते हैं, उनके पेज इस तरीके से मोनिटाइज होते हैं कि वो बाहर के मुल्क से किसी को एडमिन बनाते हैं या अपनी जो कंटेंट होता है उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। मीन्स के वो हिंदी बोलते हैं उसमें या फिर इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान का पेज मोनिटाइज हो भी जाता है तो वो डीमोनिटाइज होने के बहुत ज्यादा चांस लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, फिर यार लोग फेसबुक से, आपने सुना होगा कि पैसे कमा रहे हैं लोग, इस फलान इतने पैसे कमाए हैं फेसबुक से, फलान इतने पैसे कमाए, तो वो फिर भाई कैसे कमा रहे हैं? इसके हवाले से आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो फिर कैसे कमा रहे हैं। वो दोस्तों इस तरीके से कमाते हैं कि स्पॉन्सरशिप बेस होती है, ठीक है। बहुत से लोग उन्हें स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, अपनी चीज। मीन्स कि आपने पेज बनाया, बहुत बड़ा आपका पेज बन गया, ठीक है, उसमें 100K लाइक्स हैं, ठीक है। ग्रुप बना लिया, उसमें 100K मेंबर्स हैं, ठीक है। एक मैं ऑफिशियली एक नहीं है कोई, इतनी मेंबर्स हों तो फिर ही है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा ग्रुप है या इतना बड़ा पेज है, तो जब इतना बड़ा पेज या ग्रुप हो जाता है तो बहुत से वेबसाइट्स वाले, बहुत से ब्रांड्स वाले, बहुत से मुख्तलिफ वर्ल्ड प्रोडक्ट्स वाले आपसे रब्ता करते हैं और आपसे कहते हैं कि यार आप हमारी प्रोडक्ट की, हमारे पेज की, हमारे वेबसाइट की जो पोस्ट है, लिंक है, आप अपने ग्रुप में लगाएं या आप अपने पेज पे लगाएं, ठीक है। इस पे वो आपको पैसे देते हैं, ठीक है। वो आपसे क्यों कहते हैं? ताकि उनको उनकी वेबसाइट में, उनके ब्लॉग में, उनके ब्रांड में कस्टमर्स मिले, ठीक है, उनको सेल्स मिले, उनकी ट्रैफिक मिले, ठीक है। ये सोर्स होता है, ठीक है। आप फेसबुक पेज ग्रुप लाजमी बनाएं, ठीक है। इससे एक तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, उसके अलावा अगर आपका पर्सनल बिजनेस है तो बहुत अच्छे तरीके से फेसबुक में ग्रो हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपका पर्सनल कोई दुकान है, कोई होल तरह का बिजनेस है, तो फेसबुक पेज के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि अगर फेसबुक सेंडिंग नहीं होती तो हम पेज ना बनाए, ग्रुप्स ना बनाए, बल्कि इन चीजों को बनाए, इनका फायदा ही फायदा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनका फायदा है। बाकी उम्मीद है आपको एक छोटी सी और इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह इस वीडियो को आपको लाजमी पसंद, सॉरी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो को लीव ना कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, ताकि मजीद आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको प्रोवाइड होता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।